प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार सुबह विशेष विमान से रायपुर के विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हेलीकॉप्टर से उड़ीसा के बालांगीर जिला के लिए रवाना हो गए। दोपहर में वे वापस हेलीकॉप्टर से रायपुर आएंगे और विशेष विमान द्वारा त्रिवेंद्रम रवाना होंगे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, राज्यसभा सांसद राम विचार नेताम धरमलाल कौशिक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल व राजेश मूणत, मुख्य सचिव सुनील कुमार कुजूर, पुलिस महानिदेशक डीएम अवस्थी, रायपुर संभाग के आयुक्त जी आर चुरेंद्र, रायपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आनंद छाबड़ा, कलेक्टर डॉक्टर बसव राजू एस, पुलिस अधीक्षक नीथू कमल सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री का एयरपोर्ट पर स्वागत किया। विधानसभा उपाध्यक्ष हीना कांवरे के साथ बालाघाट में हुए हादसे के पीछे नक्सलियों के हाथ होने को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कांवरे और विधायक संजय उइके को मिली पहली धमकी के बाद पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से फिरौती की राशि एक गड्ढे में गाड़कर पहुंचा दी थी, लेकिन जब राशि लेने कोई नहीं पहुंचा तो जांच बंद कर दी गई। हादसे के बाद पुलिस ने फिर से जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पहली धमकी 31 दिसंबर को मिली थी। धमकी भरे पत्र में 6 जनवरी तक फिरौती की राशि पहुंचाने की बात लिखी गई थी। पुलिस ने बताई गई तारीख को 20 लाख रुपए पत्र में बताए गए स्थान पर पहुंचाए। पत्र में राशि को एक गड्ढे में गाड़ कर वहां झंडा लगाने का जिक्र था। जिस स्थान पर पुलिस ने फिरौती की राशि गाड़ी थी वहां कोई नहीं पहुंचा। बाद में वह राशि वापस निकाल ली गई। इस बीच दूसरा धमकी भरा पत्र 10 जनवरी को फिर मिला और तीसरे दिन ही कांवरे के काफिले को टक्कर मारने की घटना हुई। आईजी बालाघाट केपी वेंकटेश्वर राव का कहना है कि दोनों ही धमकी भरे पत्रों की लिखावट एक जैसी दिखाई दे रही है। पत्र में जिस संग्राम दल का नाम लिखा गया है ऐसा कोई नक्सली दल अस्तित्व में नहीं है। धमकी भरे पत्र और सड़क हादसे की भी हर एंगल से जांच की जाएगी। ट्विंकल डागरे हत्याकांड में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही प्रशासन को सूक्ष्मता व निष्पक्षता से जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इंदौर आईजी वरुण कपूर को निर्देश देते हुए पूछा कि मेरी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने में विश्वास नहीं करती है, वो इसे अपना प्रमुख कर्तव्य समझती है। मेरी सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा सम्मान से कभी समझौता नहीं होगा और इसका दोषी कितना भी बड़ा व्यक्ति हो उसे सजा अवश्य मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी जिम्मेदार अधिकारियों को चेतावनी भरे निर्देश देते हुए कहा कि मेरी सरकार में बहन बेटियों की सुरक्षा सम्मान से कोई कोताही नहीं बरती जाए, प्रदेश में सुरक्षित माहौल तैयार किया जाए जहां वे बेखौफ आ जा सकें। कमलनाथ ने ट्विंकल डागरे हत्याकांड के संबंध में कहा कि इंदौर की एक बेटी ट्विंकल, जो पिछले 2 वर्ष से लापता थी, जिसको ढूंढने को लेकर व उसकी हत्या की आशंका जताकर उसका परिवार निरंतर गुहार लगा रहा था, हर दरवाजे पर दस्तक देता रहा। धरना देने से लेकर उन्हें न्यायालय तक गुहार लगाना पड़ी। उनके पिछले 2 सालों में कहीं सुनवाई नहीं हुई, जबकि इंदौर को पूर्व मुख्यमंत्री अपने सपनों का शहर बताते थे। उनकी सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी। उनकी चुनावी सभा तक में पीड़ित परिवार न्याय की गुहार लेकर गया, लेकिन उन्हें अपमानित कर भगा दिया गया, उन्हें न्याय नहीं मिला। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर के प्रशासक का प्रभार अब स्मार्ट सिटी के सीईओ अवधेश शर्मा को सौंप दिया गया है। अब तक यह जिम्मा उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ अभिषेक दुबे संभाल रहे थे। बताया जाता है कि 11 जनवरी को पर्यटन विकास मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल के महागमन के दौरान तराना के विधायक महेश परमार ने नाराजगी जताई थी। मंदिर समिति के कर्मचारियों ने मंत्री के जूते धर्मशाला के पास उतरवा दिए थे, जबकि वीआईपी कोटि तीर्थ तक जूते पहनकर जा सकते हैं। इस पर विधायक ने आपत्ति दर्ज कराई थी। यह दूसरा मौका है जब मंदिर प्रशासक का प्रभार दोबारा स्मार्ट सिटी के सीईओ को सौंपा है। यूडीए सीईओ दुबे से पहले भी शर्मा ही यही दायित्व संभाल रहे थे। सोमवार से शर्मा ने मंदिर का काम संभालना भी शुरू कर दिया। ट्विंकल डागरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने भाजपा नेता जगदीश करोतिया उर्फ कल्लू पहलवान और उसके बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को ट्विंकल की मां रीता डागरे ने कहा कि भाजपा के एक पूर्व विधायक भी इस हत्याकांड में शामिल है, पुलिस को उन्हें तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। वहीं यह बात भी सामने आई कि ट्विंकल ने खुद अपनी मां से कहा था कि जगदीश करोतिया ने उसके साथ दुष्कर्म किया है, अब वह उसे छोड़ेगी नहीं, वह इसका बदला लेगी और करोतिया को बर्बाद कर देगी। उन्होंने बताया कि जब वे मामले की जांच के लिए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इंदौर एयरपोर्ट पर आवेदन देने गए थे तो उस समय पूर्व विधायक ने उन्हें आवेदन देने से रोक दिया था। पिता ने बताया कि पूर्व विधायक ने एयरपोर्ट पर मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया था और दूर ले जाकर कहा था कि यदि इस मामले में मेरा नाम आया तो तुझे बर्बाद कर दूंगा। इस बात की जानकारी मैंने सभी पुलिस अधिकारियों को दे दी थी। ऐसी ही घटनाक्रम भोपाल में भी हुआ था, जब हम सीएम से मिलने गए थे, वहां भी भाजपा नेताओं ने हम पर दबाव बनाया था। जेएनयू देशद्रोह प्रकरण में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 साल बाद सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में 1200 पेज का आरोप पत्र दायर कर दिया। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी।
आरोप पत्र में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार, पूर्व छात्र उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य समेत 10 छात्रों के नाम शामिल है। वहीं भाकपा नेता डी राजा की बेटी अपराजिता, तत्कालीन छात्र संघ उपाध्यक्ष शहला राशिद, रमा नागा, आशुतोष कुमार, बनज्योत्ना राहिड़ी समेत कम से कम 36 लोगों के नाम आरोप पत्र के कॉलम नंबर 12 में हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित आनंद की कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर मंगलवार को फैसला करेगा। पुलिस ने आरोप पत्र में कन्हैया कुमार व अन्य आरोपितों द्वारा कथित तौर पर लगाए गए 12 नारों का भी जिक्र किया है। आरोप पत्र के साथ कार्यक्रम के सीसीटीवी व मोबाइल फुटेज व कई दस्तावेजी सबूत पेश किए गए हैं और फॉरेंसिक और फेसबुक डेटा से भी साक्ष्य जुटाए गए। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में गिद्धों की गणना कर रहे 4 वन कर्मियों की उस वक्त जान पर बनाई जब एक तरफ से बाघ और दूसरी तरफ से बाघिन आ गई। 3 वन कर्मी तत्काल पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन एक वन कर्मी घबराहट में पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। वह जान बचाने झाड़ियों की तरफ भागा और बेहोश हो गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के रेंजर सुरेश गोस्वामी ने बताया कि शनिवार को 4 वन रक्षक नीमघान और 3 खोड़ा बीट में गिद्धों की गणना कर रहे थे। इस दौरान दोनों तरफ से बाघ बाघिन आ रहे थे। उन्हें देखकर वन रक्षक मनोज वरकड़े, हरबंस सिंह व चौकीदार अमर सिंह पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन अमित कौरव घबराहट में पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। जान बचाने के लिए पास की झाड़ियों की ओर भागते हुए बेहोश हो गया। तभी पीछे से डिप्टी रेंजर वाहन से आ रहे थे। वाहन की आवाज से डरकर बाघ बाघिन भाग गए। पेड़ पर चढ़े वनरक्षक मनोज वरकड़े ने बाघ का वीडियो भी बनाया है। रेंजर गोस्वामी ने बताया कि अभी बाघ बाघिन का मेटिंग सीजन चल रहा है। बीआरटीएस को खार फेंकने का बयान देने के दूसरे दिन सोमवार को भी पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि इस कॉरिडोर ने एक सुंदर शहर को खराब कर दिया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा नेता मधु वर्मा उनसे सहमत नहीं है। मधु के आईडीए अध्यक्ष रहते हुए ही बीआरटीएस कॉरिडोर बना था। उनका कहना है कि जो लोग यह चाहते हैं कि बीआरटीएस को उखाड़ देना चाहिए, वे एबी रोड पर 10 साल पहले हुए हादसों का रिकॉर्ड निकाल कर देख लें। इसे हटा दिया तो इतनी दुर्घटनाएं होंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि बीआरटीएस जब बनना शुरू हुआ था तब शिवाजी वाटिका और भंवरकुआं चौराहे की परेशानियों का मामला सामने आया था। मैं चाहता था कि जैसे होलकर कॉलेज के सामने छोटा ब्रिज बना है, वैसे कुछ फ्लाईओवर बना दें, लेकिन कार्यकाल पूरा होने से आगे काम नहीं हो सका। आगे यह काम क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे वैसी ही व्यवहारिक दिक्कतें आ गई जैसी वर्मा की बीआरटीएस। तीर्थराज प्रयाग में 49 दिन तक चलने वाले कुंभ की शुरुआत हुई। मंगलवार को पहला शाही स्नान हुआ। देश भर के 13 अखाड़ों में से 9 अखाड़ों के साधु संतों ने संगम तट पर डुबकी लगाई। सबसे पहले संगम तट पर श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के साधु संतों ने स्नान किया। इसके बाद श्री पंचायती अटल अखाड़े के संतों ने संगम तट पर डुबकी लगाई। फिर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी स्नान किया। बताया जा रहा है कि कुंभ मेला 4 मार्च महाशिवरात्रि तक चलेगा। आखिरी शाही स्नान 4 मार्च को होगा और इसी दिन कुंभ मेले का समापन भी हो जाएगा। हर अखाड़े को स्नान के लिए 40 मिनट का समय दिया गया है। प्रदेश भर में मंगलवार से मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के फॉर्म भरवाए जाने की शुरुआत हो रही है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री कमलनाथ भोपाल से करेंगे। इसी दौरान जिलों में मंत्री भी इस योजना के आवेदन भरवाएंगे। सरकार ने कर्ज माफी के 80 लाख आवेदन छपवाए हैं। किसानों से आवेदन भरवाए जाने की जिम्मेदारी जनपद पंचायत के सीईओ की होगी। इसे मद्देनजर रखते हुए 22 फरवरी से किसानों के खाते में कर्ज माफी की राशि डलवाने की रणनीति बनाई गई है। इधर मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने बताया कि मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना के आवेदन ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हों। मुख्य सचिव ने डिंडोरी, अलीराजपुर, सिंगरौली, शिवपुर कला के कलेक्टरों से योजना के क्रियान्वयन के बारे में विशेष रूप से बातचीत भी की और इस दौरान मोहंती ने बताया कि ग्राम पंचायतों में 18 जनवरी तक हरी और सफेद सूचियां चस्पा हो जाएंगी। कर्ज माफी योजना के तहत 22 फरवरी से किसानों को भुगतान होना है।